So today, when we start with integration by parts, right, which is another easy and important topic of your integration, right, indefinite integration. जब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये समझना है कि अगर तुम्हारे पास दो फंक्शंस हैं यू और वी, जनरली इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन कहते हैं और इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास, बिकॉज अभी तक तुमने अलग अलग कंडीशंस देखे, बट अगर एक साथ दो फंक्शन आ जाएं, यू इंटू वी, राइट, दैट्स यू इंटू वी, अगर एक साथ आपके पास दो फंक्शन आ जाएं जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो इस तरह की कंडीशन के लिए अभी तक हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है जिससे कि हम इंटीग्रेट कर सकें। तो दैट थिंग इज सॉर्टेड आउट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। दो फंक्शंस हैं यू एंड वी, इसको हम लोग क्या, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है पहले ये समझते हैं। इट इज यू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यू इज टेकन एज अ कॉन्स्टेंट, राइट, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज डी यू बाई डी एक्स एंड वी डी एक्स, ठीक है। ये वाली जो चीज़ हमें देती है ये यूवी का फाइनल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, इसको मैं कैसे याद रखूँगा कि जो भी फर्स्ट फंक्शन है उसका मैं एज अ कॉन्स्टेंट रखूँगा, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करूँगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा, और फिर टोटल इंटीग्रेशन करना है सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रेशन के साथ, ठीक है। दैट इज़ हाउ इट इज़। मैंने यहाँ पे एक और डी एक्स लगाना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो हमेशा दैट इज टू बी इंटीग्रेटेड और डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। तो यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शंस यू और वी के हैं, दैट इज हाउ इट इज। और यहाँ राइट साइड पे कुछ लिखा है आई लेट, राइट, इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है। क्या होता है ना, ये जो फर्स्ट फंक्शन और जो सेकेंड फंक्शन है, ये इनिशियली कई बार हमें नहीं समझ में आता कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन लें और कौन सा सेकेंड फंक्शन लें, ठीक है। इनिशियली हमें ये बातें थोड़ी समझने में परेशानी होती है, दो फंक्शन है, log x है, sin x है, कौन सा फर्स्ट लें कौन सा सेकेंड लें, इस तरह की बातें समझने में परेशानी आती है। तो इसके लिए एक रूल बना हुआ है, राइट, आई फॉर होता है इनवर्स, राइट, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाले फंक्शन, ठीक है, इनवर्स। एल फॉर होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर आपका होता है अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन, और टी से आपका क्या हो जाता है बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, और ई से क्या रहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसी प्रायोरिटी में हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास कोई फंक्शन आया साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आप इसमें पहले ये तो डिसाइड करें कौन सा यू लेंगे कौन सा वी लेंगे, ठीक है। मैं हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, राइट, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा पास ऑन करने में बिलीव रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग से क्या मतलब है और फिर इससे क्या हेल्प मिलेगी, दोनों बातें डिस्कस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग से ये मतलब है बच्चों कि जो भी चीज़ को अल्टीमेटली तुम्हारे, अगर तुम इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान दो, अभी मैं इसकी डेरिवेशन भी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, बट अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या है, वी को इंटीग्रेट कर रहे हैं एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, यानी यू एक बार भी इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। यानी जब कभी भी मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन आएगा तो मैं जनरली यू को एक ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करूँगा जिसकी इंटीग्रेशन मुश्किल है, राइट, या आप इसको ये समझिए कि जिसको भी इंटीग्रेट करने में परेशानी होगी मैं उसको फर्स्ट फंक्शन लूँगा, ठीक है, और जिसे भी इंटीग्रेट करने में आसानी, जिसे भी इंटीग्रेट करने में आसानी होगी उसको मैं वी लूँगा, और जिसे इंटीग्रेट करने में परेशानी आएगी उसको मैं यू लूँगा, ठीक है। तो अगर आप इस बात को समझें तो यहीं से समझ में आता है, ठीक है, कि अगर मेरे पास ये कभी ऐसा कोई फंक्शन आ रहा है तो इनवर्स को हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, लॉग को हम लोग सेकेंड प्रायोरिटी देंगे, अगर ये दोनों है, हो सकता है यहाँ पे लॉग एक्स की जगह पे, हो सकता है यहाँ पे सपोज करो एक्स स्क्वायर होता, तो एक्स स्क्वायर कौन सा रूल हो गया, ये तुम्हारा अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। तो अगर इनवर्स है तो इनवर्स तो हमेशा ही फर्स्ट फंक्शन होता है, और एक्स स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह पे ई रेस टू द पावर एक्स होता, तो अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा लास्ट होता है, यानी मैं इसको क्या लूँगा, इसको वी लूँगा, और एक्स स्क्वायर जो अलजेब्रिक फंक्शन है इसकी प्रायोरिटी ऊपर आ गई तो इसको मैं इस बार यू ले लूँगा, फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आइलेट इस चीज़ में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। बट इसका ज़्यादा अच्छा अप्रोच ये होगा कि तुम ये देखो कि कोई भी चीज़ अगर आसानी से इंटीग्रेट हो रही है तो तुम उसे वी लो, यानी कि सेकेंड फंक्शन लो, और कोई भी चीज़ अगर आसानी से इंटीग्रेट नहीं हो रही है तो आप उसको यू यानी कि फर्स्ट फंक्शन लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट टू बी कंसिडर्ड एंड हाउ टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। I'll move ahead and let's talk about what is proof and understanding. ये formula आखिर जो आया
ये फॉर्मूला कैसे आया, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। यू और वी क्या है बच्चों, यू और वी एक्स के कोई भी फंक्शन है, ठीक है। और इसके लिए हमने पढ़ा क्या, यू वी डी एक्स राइट माइनस दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स इंटू वी डी एक्स और इस पूरे का क्या डी एक्स, ठीक है। दैट इज वॉट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, हमने ये वाली चीज़ अभी अभी सीखी है। अब इसको समझने की और इसको प्रूव करने की बारी है, आओ करते हैं, राइट, लेट्स डू इट। तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एज सच कह देते हैं कि इट इज़ दी, जैसे हम लोग हमारे पास डिफ्रेंसिएशन का रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन था, कई बार ऐसा कह देते हैं दिस इज द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मेरे ख्याल से बहुत सही नहीं है। तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन कोई चीज़ नहीं होती, इसका नाम बाईपार्ट्स ही होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसको जब आपको कभी प्रूव करना है तो देखो कैसे तुम प्रूव करोगे, तुम्हें रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन डिफ्रेंसिएशन का याद होगा। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास दो फंक्शंस हैं जिसे तुम कभी भी डिफरेंशिएट करते थे, एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है। जिसे आप दो फंक्शंस को जब आप डिफरेंशिएट करते थे तो आपको याद होगा इसमें हम लोग क्या क्या करते थे, इसमें हम लोग करते थे राइट दिस इज दी एल एच एस, को मैं यहीं पे ऐसे कर लेता हूँ बिकॉज यहीं पे हम लोग ना इसको प्रूव भी कर लेंगे, बहुत ईजी है राइट, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से देखिएगा और जहाँ कुछ भी ना समझ में आए माइक या फिर चैट बॉक्स यूज़ करके पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट ले लेते थे राइट, यानी कि जी एक्स को मैं कांस्टेंट ले लूँगा और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करूँगा बेटा, एफ एक्स करूँगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, प्लस साइन लगाते थे और उसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट लेते थे और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स करते थे। दैट इज़ हाउ वी यूज टू डू इट, ठीक है, दैट वॉज द प्रोसेस दैट वी यूज टू डू इट। अब कहीं ना कहीं आपको ये बात तो पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं। अगर मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो जो मेरे पास रिजल्ट आया है जब मैं उसको इंटीग्रेट करूँगा आई विल गेट द ओरिजिनल थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन मेरे पास आया है राइट, सपोज करो मैं यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ऑन बोथ द साइड्स, इफ आई इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, ये मैंने पूरे को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये थोड़ा ब्रैकेट है बढ़िया ये लगा देता हूँ, ठीक है। आई एम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा क्या किया। तो अब आपको ये तो पता ही है बेटा कि अगर कभी भी आपके पास आप इंटीग्रेट करते हो तो जो डिफरेंशिएशन होती है होल वो तो पूरी पूरी कैंसिल हो जाती है, यानी लेफ्ट साइड पे तो मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास आने वाला है एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है बच्चों राइट। और यहाँ अगर आप देखो तो ये इंटीग्रेशन इसको मैं भी ऐसे ही रख रहा हूँ बिकॉज इसका कुछ कभी समझ में नहीं आ रहा राइट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो कीप इट लाइक दैट, ठीक है। मैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और ये चीज़ मेरे पास क्या है, ये होल इंटीग्रेशन है तो ऑब्वियस की बात है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ही होगा, ठीक है बच्चों। ये जो सेकेंड एस्पेक्ट है इसको देखते हैं ज़रा, ये चीज़ क्या बच रही है, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आएगा ना, दिस थिंग विल अगेन बी इंटीग्रेशन विच विल बी एफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स, ठीक है बच्चा पार्टी, आसानी से समझ में आ रही है आपको। अब देखो इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हम अगर इस चीज़ को एक तरफ रखें और बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ ले आए, राइट, मैं इस एक्सप्रेशन को एक साइड पे रखूँगा, रेस्ट एवरीथिंग विल बी टेकन ऑन दी अदर साइड, ठीक है। तो क्या आएगा और इस बात पे फोकस करते हैं, लेट से मैंने राइट साइड को लेफ्ट साइड बना दिया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएगी, मेरे पास रह जाएगी एफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स, सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, नथिंग एल्स, ठीक है। राइट साइड पे ये वाला मेरे पास एज इट इज रह जाएगा, ये क्या है, दिस इज कमिंग आउट टू बी, अगर मैं इसको देखूं तो इस साइड में तो मेरे पास पहले एफ एक्स और जी एक्स रहेगा और ये इस साइड जाकर के क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, दैट वुड बी नेगेटिव। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और साथ में क्या है बच्चों,
ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए और यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको कोई टेंशन नहीं हो रही होगी। बस अब मैं ये फर्स्ट लाइन यहाँ से इरेज करना चाहूँगा सो दैट वी कैन रीच द फाइनल स्टेप। ठीक है, बस ये वाली लाइन मैं पूरी पूरी इरेज करना चाहता हूँ। ओके, आई एम इरेजिंग इट। और देखो इसके आगे मैं ऊपर थोड़ी सी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ जिसको तुम लोग ध्यान से देखोगे। अब यहाँ पे ये जो आपके पास एक्सप्रेशन निकल के आया है, इसमें अब जी एक्स और एफ एक्स अल्टीमेटली फंक्शंस ही हैं। तो अगर मैं डी बाई डी एक्स ये जो है विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, राइट, अगर ये जब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो भी तो एक फंक्शन ही आता है ना, चाहे वो कोई सा भी फंक्शन हो। लेट्स से मैं इसको वी बोलता हूँ, ठीक है, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, वी बोल रहा हूँ, राइट। वी शुड अंडरस्टैंड कि हम किसको क्या बोल रहे हैं, मैंने इसको वी बोला है। एफ एक्स को मैं यू बोल रहा हूँ, एफ एक्स को मैं यू बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब तुम्हें समझना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर जी एक्स तुम्हारा वी है, बल्कि डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स तुम्हारा वी है, तो जी एक्स कितना है बेटा, वॉट इज जी एक्स, सर्टेनली दैट इज गोइंग टू बी द इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, राइट। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे जी एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे ये तीन बातें हमें सिंपल तरीके से समझ में आनी चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, बस इन चीज़ों को नीचे जो एक्सप्रेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट अस पुट ऑल दीज थिंग्स इन द सब्स्टिट्यूशन। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एफ एक्स की जगह पे यू, ठीक है भाई, हमें वो फॉर्मूला डिराइव करना है ना, एफ एक्स की जगह पे यू, और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इसको हमने क्या लिया है, एक सेकेंड फंक्शन लिया है, दैट इज डी। ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट डू यू हैव एफ एक्स, एफ एक्स कितना है बेटा, एफ एक्स इज यू इंटू जी एक्स, वॉट इज जी एक्स, जी एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या था यू, यानी क्या बचा बेटा, डी यू बाई डी एक्स, दैट इज डी यू बाई डी एक्स, राइट। हैंड राइटिंग थोड़ा ध्यान से देख लेना भाई, इट इज यू, और साथ में ये तो हो गया डी यू बाई डी एक्स, ये क्या आया जी एक्स, जी एक्स क्या था बेटा, दैट वॉज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और इसका होल इंटीग्रेशन हमें भूलना। That is how you can easily understand how it is proved. Although generally इस तरह के proofs exam में नहीं आते हैं, but हाँ understanding के लिए important है, और ऐसा नहीं है कि proof नहीं पूछते हैं, पूछ भी सकते हैं, हो सकता है 2021 के पेपर में 2 marks का proof आपसे पूछते हैं, ठीक है, so not a big deal. I hope आपने इसको ध्यान से सीख लिया होगा और नोट कर लिया होगा। Moving on, आइए इसको बेहतर तरीके से समझेंगे, कुछ examples लेते हैं, let us take some examples. अब देखो इस तरह के फंक्शंस को हमें अभी तक इंटीग्रेट करना नहीं आता है, लेकिन अब जब हमने बाईपार्ट सीख लिया है, देखो बाईपार्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट, लेट मी राइट डाउन दी फॉर्मूला हेयर सो दैट वी कैन इजीली इम्प्लीमेंट इट, यू वी डी एक्स, राइट, यू वी डी एक्स, सर जी एक्स बता दीजिए, जी एक्स क्या बता दें भाई, देखो भाई जी एक्स बता दीजिए, आया है एक कमेंट तो पढ़ लेते हैं क्या है। मैंने क्या लिया था इस एक्सप्रेशन में, ये जो आपका एक्सप्रेशन आया लास्ट में, ये वाला दिस वन एट दी एंड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, राइट, मैंने इस एक्सप्रेशन में डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स को वी लिया और एफ एक्स को यू लिया, ठीक है, ले सकते हो ना, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, हमें इसको प्रूव करना है तो मैंने ऐसा लिया। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि ये जो मेरे पास एफ एक्स है, एफ एक्स को हमने यू लिया है, डी बाई डी एक्स को वी लिया है, बिकॉज जी एक्स एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन भी तो एक फंक्शन ही होगा ना। आप किसी भी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, या तो एक कांस्टेंट आता है या फिर एक फंक्शन आता है, कांस्टेंट इज ऑल्सो अ फंक्शन, यू कॉल इट कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए ये तुम्हारे पास जो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स है इसको आपने क्या लिया, वी लिया बेटा। तो अगर तुम डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स को वी ले रहे हो तो जी एक्स क्या होगा, ये बात भी समझ नहीं है, जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या जाएगा, वी डी एक्स आ जाएगा। बस मैंने कुछ नहीं किया आयुष, मैंने सिर्फ यहाँ पे वी ए वाली वैल्यूज यहाँ पे रख दी एंड दैट इज ऑल। ओके, लेट अस लुक इनटू द एग्जांपल सो दैट यू अंडरस्टैंड इट हाउ टू यूज इट इन द एग्जाम्स एंड इन द क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ जो अभी तुमने सीखा है, इसको लिख देता हूँ, बिकॉज इनिशियली कई बार ऐसा होता है कि आपके माइंड में ये वाली चीज़ बड़े आसानी से आती नहीं है, ठीक है, तो इसलिए एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करके जब रखते हो तो फिर आना शुरू हो जाती है। आज मॉर्निंग में मेरे पास एक स्टूडेंट की कॉल आई थी, राइट, मैं नाम एज यूजुअल नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ उसने मुझे ये बताया कि सर जब मैंने 12th क्लास में पढ़ना शुरू किया था और डिफरेंशिएशन तक मेरी मोटिवेशन बड़ी अच्छी थी, मैं जो है बड़े अच्छे से पढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद से मेरी मोटिवेशन थोड़ी डाउन हो गई है, मैं उस तरीके से मैथ नहीं पढ़ रहा हूँ,
मुझे एक तो बड़ा अच्छा लगा, आई रियली अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ जेस्चर व्हेन यू शो ऑनेस्टी टू टू मी राइट. आई विल पॉज द वीडियो टू डिस्कस दिस केस. सो व्हेन एवर यू हैव एक्स लॉग एक्स राइट, व्हेन एवर यू हैव एक्स लॉग एक्स, और अब इसमें क्या करना है, तुम्हें दो फंक्शन हैं. सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कौन सा यू लें कौन सा वी लें. तो मैं आईलेट वायलेट तो जल्दी सजेस्ट नहीं करता, मैं ये देखता हूँ कौन सा इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा. तो भाई ये इंटीग्रेशन में परेशानी करेगा है ना, लॉग एक्स की इंटीग्रेशन में परेशानी आएगी, तो मैं इसको क्या ले लूँ, लॉग एक्स की इंटीग्रेशन में परेशानी आएगी तो मैं इसको क्या ले लूँ, इसको वी ले लेता हूँ है ना. जिसकी भी इंटीग्रेशन में परेशानी आएगी उसको क्या, सॉरी इसको यू ले लेंगे है ना, बिकॉज हमें वी डी एक्स करना होता है. तो हम लोग इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या ले रहे हैं, लॉग एक्स को ले रहे हैं. अब बस वही कॉन्स्टेंट फॉर्मूला लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ये कितना आ गया बताओ, ये आ गया तुम्हारे पास u यानी कि log ऑफ x, और इंटीग्रेशन ऑफ x कितना हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, चलो लिख देता हूँ राइट, फर्स्ट एग्जांपल है तो पूरा पूरा लिख देता हूँ. du by dx करोगे यानी कि d by dx ऑफ log x करोगे आप, ठीक है. और इसको आप किसके साथ फिर इंटीग्रेट, किससे करना है आपने, x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx. जो भी आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आया उसको फाइनली फिर से इंटीग्रेट करना है. तो बहुत आसानी से आप इस बात को देख पा रहे हैं, x की इंटीग्रेशन हो गई x square by 2, साथ में आपके पास log x as it is intact है, and this is log x का differentiation is 1 by x. यहाँ पे तुमने इंटीग्रेट किया था तो कितना आ गया था तुम्हारे पास x square by 2. तो ये x square by 2 का ये वाला x और ये वाला x तो गया ना, तो क्या आंसर लिखोगे फाइनली आप लिखोगे x square by 2 log of x माइनस, अब ये देखो x dx है अपॉन 2 है, तो अपॉन 2 तो अपॉन 2 इज नेवर अ टेंशन नो, x स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 2 यानी कितना हो गया बाई 4 प्लस सी. इस तरीके से बड़े आसानी से ये आंसर आप सभी का आ जाना चाहिए था राइट. 3-4 पीपल हैव ऑलरेडी डन दैट, वंडरफुल, बिल्कुल सही है. ओके इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे. आइए इसका सेकेंड एस्पेक्ट भी, इसका जो सेकेंड पार्ट है इसको भी देखते हैं राइट. इनिशियली मैं कुछ क्वेश्चन जरूर से करना चाहूंगा. अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ही नहीं है. तो इस और साइन इनवर्स आपको पता है डायरेक्टली इंटीग्रेट तो कभी होता ही नहीं राइट, इसकी इंटीग्रेशन हमें पता ही नहीं. हाँ अगर हमारे पास कभी भी ये होता है जो कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो हाँ इसकी इंटीग्रेशन तो हमें पता है. क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरे पास 1 ओवर ये आता है. तो दिस इज व्हाट वी नो, बट देन इसमें तो उल्टा ही पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग अस टू डील विद दैट. तो इस तरह के क्वेश्चन में ये मेरा सजेशन होता है कि आप क्या करो, आप एक जो है इनटू वन ले लो. यू कैन डू इनटू वन नो, आप इस किसी भी फंक्शन को ऐसा लिख सकते हो ना दैट इट इज 1 इनटू साइन इनवर्स एक्स, ऐसा तो कर सकते हैं ना. और इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि जो भी चीज इंटीग्रेट नहीं हो रही है उसको हम लोग यू ले लेंगे राइट. किसको यू लेंगे भाई, साइन इनवर्स एक्स को यू लेंगे, और फिर 1 को क्या ले लेंगे, वी ले लेंगे. दैट्स ऑल, आओ शुरू करते हैं, लेट अस सी क्या आता है. तो मेरे पास हो गया यू वी डी एक्स, अब थोड़ा सा मैं डायरेक्टली करना शुरू कर रहा हूँ ठीक है. यू आ गया साइन इनवर्स एक्स, और वी डी एक्स कितना हो गया, एक्स हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होगा, एक्स हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स. बहुत बढ़िया, क्या आ गया बेटा, इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और यहाँ वी डी एक्स कितना हो गया बच्चों, इट इज एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ठीक है. तो अब ये वाला फॉर्म तो हमने अभी अभी करके हटाया है राइट, हम लोगों ने पीछे इस फॉर्म को कर रखा है ना बच्चों, वी हैव डन दिस, याद दिलाता हूँ. इसमें क्या करते थे हम लोग, x dx को रिप्लेस करते थे. तो ऐसा क्या लेंगे कि ये रिप्लेस हो जाएगा, मैं इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लूँगा ठीक है. जैसे ही मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लेता हूँ तो मुझे dt over dx की वैल्यू मिल जाती है माइनस 2x. अब इसको अगर हम ऐसे देखें कि x dx को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ माइनस dt बाई 2 से. यानी ये जो एक्सप्रेशन है राइट, दिस वन, सिर्फ इसकी बात कर लेता हूँ राइट, लेट अस कॉल इट एज i1. तो आइए i1 की सिर्फ बात करते हैं. तो i1 मेरे पास कितना आ गया, देखो i1 आ गया x dx की जगह पे कितना आ गया बच्चों, माइनस dt बाई 2. तो माइनस साइन मैंने बाहर रखा और माइनस 1/2 बाहर रख दिया रहता. और ये जो चीज़ है ये कितनी बन गई बेटा, दिस वॉज t, तो ये कितना आ गया t रेज टू दी पावर 1/2. इसकी इंटीग्रेशन में मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को भी अगेन परेशानी आती होगी. दिस इज व्हाट t रेज टू दी पावर माइनस 1/2 इनटू dt राइट. दिस इज कौन सा फॉर्म है, ये x रेज पावर n का फॉर्म है. तो ये इसको एज इट इज इम्प्लीमेंट कर दो, कितना आ जाएगा ये t रेज पावर माइनस 1/2 प्लस 1 विच इज 1/2 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 विच इज अगेन 1/2. 1/2 का 2 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा.
यानी जो तुम्हारा फाइनल आंसर होना चाहिए, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ इनसाइड दिस, द फाइनल आंसर वुड बी व्हाट, दैट वुड बी एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब इस वाली का हमने आंसर कितना निकाला, हमारा आंसर निकल के आया माइनस टी रेज टू द पावर 1/2, और टी क्या था बच्चों, दिस वॉज टी, सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस सी, लास्ट में लिखना मत भूलना, ठीक है। इफ दैट इज ओके कैन यू प्लीज टाइप एफ ए बी इन द कमेंट बॉक्स, डू इट फास्टर, टाइप एफ ए बी इन द कमेंट बॉक्स, इफ यू वॉन्ट मी टू रिपीट टाइप आर, दैट्स फाइन, बी स्मार्ट बी क्विक, राइट, you are new generation kid, you have to be smart and you have to be swift, fast, right, be responsive, theek hai, jaldi jaldi karne ki habit rakho, aao chalo aage badhte hain, let's proceed, I haven't repeat any hour, so I'm moving ahead, main ek do examples aur dunga, aisi baat nahi hai, main yahan pe isko rok nahi raha, again dekho sabse pehli shuruaat to kya hoti hai, you aur we assume karne se, jo bhi cheez aasani se integrate nahi ho rahi hai main usko hamesha you leta hu, तो tan inverse x को इंटीग्रेट करने में मुझे तकलीफ महसूस हो रही है पहले से ही, तो मैं इसको u लेने जा रहा हूँ और इसको v लेने जा रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड वाई, ठीक है। अगर तुम आईलेट को भी देखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, tan inverse x का ये क्या है, ये इनवर्स फंक्शन है, और x क्या है बेटा, ये अल्जेब्रिक फंक्शन है, किसकी प्रायोरिटी ऊपर है, इनवर्स के ऊपर है कि अल्जेब्रिक के ऊपर है, तो ऐसे भी आप देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जैसे भी आपको सूट करता है, यू कैन ऑलवेज डू लाइक दैट। सर बाई पार्ट थ्री फंक्शन के लिए भी होता है, हाँ होता है बेटा, देखेंगे अभी थ्री फंक्शंस होंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन आ जाती है, ठीक है, तो थ्री फंक्शंस के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बट हाँ वहाँ पे फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन से डील करेंगे, राइट, बाय पार्ट सिर्फ दो के लिए एप्लीकेबल है। आओ देखो, एज वी प्रोसीडेड विल मूव इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, अक्षय डोंट वरी, विल लुक इन टू डैट, तो अब इसमें मैं फटाफट से इम्प्लीमेंट करता हूँ, क्या हो जाता है मेरे पास, यू डी एक्स, यानी कि यू के जगह पे मैंने रखा टैन इनवर्स एक्स, और x v dx यानी कि x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है बच्चों, x का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर बाय 2, माइनस साइन के साथ मैंने tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट किया, वो मेरे पास आ गया 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, आई होप यू आर ओके विद दैट, मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, बट आई बिलीव इतनी डिस्कशन क्लास के बाद ये चीज़ें, इन चीज़ों में आपको परेशानी नहीं आ रही होगी, स्टिल इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम प्लीज बी वेरी ब्लंट इन आस्किंग दैट, डोंट हेजिटेट, ओके। तो यहाँ फिर तुमने वही वी डी एक्स किया, तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई टू, बाई टू को तो हमेशा कहाँ, कॉन्स्टेंट को तो बाहर रख लो, उसकी कोई औकात नहीं है, राइट, कीप इट आउट, घर से बाहर रखो कॉन्स्टेंट को, तो ये तुमने यहाँ रखा। अब क्या, अब ये तो अगेन कुछ जाना बचाना सा फॉर्म है ना, देखो यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें एक बार प्लस वन कर दूंगा और एक बार माइनस वन कर दूंगा, ठीक है, देखो ये कैसा ब्रेक हो जाएगा, ये वाली चीज़ एज इट इज आ जाएगी, है ना, माइनस हाफ के साथ ये क्या बनेगा, इस पर फोकस करते हैं, ये माइनस हाफ तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कितना आ गया बच्चों, dx आ गया, और ये माइनस साइन के साथ ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, नाउ दिस इज सर्टेनली गोइंग टू अस, फाइनल आंसर लिखते हैं थोड़ा ठीक ठाक से, ये तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी डन हो चुका है, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स, माइनस हाफ है, राइट, साइंस का थोड़ा ध्यान रखना, कॉन्स्टेंट का ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए, ये चीज कितनी आ गई बेटा, दिस इज एक्स, और ये वाली चीज कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x, राइट, ये कौन सा फॉर्म है, dx ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या होता था, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, क्योंकि a मेरे पास 1 है, तो इट विल बी सिंपली tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस c, आप चाहें तो इसको थोड़ा और एक स्टेप और फैक्टराइज, मतलब सिंप्लीफाई कर देना, राइट, ब्रैकेट वगैरह हटा देना चाहिए सिंप्लीफिकेशन में, तो ये tan इनवर्स x हो गया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस x बाई 2 हो गया, या ब्रैकेट तब लगाओ जब चीज़ें तुम्हारे पास कुछ सिंप्लीफाई हो रही हूँ, राइट, कुछ वेरिएबल्स वगैरह कॉमन आ रहे हो, बट अदरवाइज कुछ नहीं ऐसा हो रहा है, तो ब्रैकेट हटा देना ही सजेस्टेड है। ये आपके पास कितना आ गया, tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, ठीक है बच्चों, कैन यू जस्ट शो मी योर हैंड्स अप इफ दैट इज अंडरस्टूड, चिल्ड्रेन लेट्स मेक श्योर दैट वी आर रेगुलर एवरी डे, वी आर पुटिंग इन आवर जेन्युइन एंड ऑनेस्ट एफर्ट्स, राइट, एंड लेट्स ट्राई एंड मीट द टारगेट, हमें 15 नवंबर तक सिलेबस खत्म करना है, हम स्लो चल रहे हैं बच्चों, थोड़ा पेस अप करो, तुम में से कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग स्लो चल रहे हैं, बट ये ठीक नहीं है,
ठीक है, तुम्हें परेशानी आ रही है, मैं बार बार कहता हूँ मुझे मैसेज करो, मुझे फोन करो, आई एम देयर विद यू, बट देन बताओगे तभी तो. सो प्लीज मेक श्योर कि आपके एफर्ट्स ऑनेस्ट होने चाहिए. ठीक है, थोड़ा स्पीड पेसअप करना है. चलो देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं. अब इस तरह के क्वेश्चन भी बड़ी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन है, बिना बाईपार्ट्स के ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत परेशानी होती है. अब यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारे पास साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, इसमें क्या करें, इसमें क्या किया जाए. अब भाई इसमें यू और वी तो कुछ दिख नहीं रहा. अगर एक बार को मैं सोचूं कि साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स कर लूं, उससे ही बात नहीं बनेगी. क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन तो पता नहीं है. तो जब कुछ ना समझ में आए तो वो याद करो जो तुमने पढ़ रखा है. क्या पढ़ रखा है तुमने, तुमने पढ़ रखा है सब्स्टिट्यूशन, राइट. साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करने में तकलीफ होती है, बट एक्स को इंटीग्रेट करने में तकलीफ नहीं होती, और ना ही साइन थीटा को इंटीग्रेट करने में तकलीफ होती है. यानी फ्रॉम वेयर डू एम आई गोइंग टू स्टार्ट, आई विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन बाय assuming that sine inverse x is equal to t. What would I get? I'll get x is equal to sine of t. And then you know, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हर चीज को t में लेके आना पड़ेगा, इस dx को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा. ठीक है, तो sine inverse ये क्या बन गया, तो t square बन गया. ठीक है, अब देखना पड़ेगा भाई dx by dt कितना बन रहा है, because dx को ultimately हमें substitute करना है. तो dx by dt कितना बन रहा है बच्चों, that is coming out to be cos of t. बहुत बढ़िया. तो dx को तुम क्या लिखने वाले हो, cos t into dt. अब ये तो कुछ ठीक ठाक सा लग रहा है, इट इज बेटर देन व्हाट इट वाज. मैंने इसको क्या लिख लिया, इसको मैंने लिखा टी स्क्वायर, बिकॉज मैंने साइन इनवर्स एक्स को टी लिया था, और डीएक्स की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, कॉस टी इंटू डी टी. नाउ दिस इज समथिंग विच इज सर्टेनली इंटीग्रेबल बाई पार्ट्स. अब यहाँ पे मैं बाई पार्ट्स लगाने की सोचूंगा. अब बात आती है कौन सा फंक्शन यू लें, कौन सा फंक्शन वी लें, यानी किसको फर्स्ट लें, किसको सेकेंड लें. उसके लिए कुछ बहुत टेंशन तो लेनी नहीं है. यहाँ प्रॉब्लम ये है, मतलब कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि दोनों ही इंटीग्रेबल हैं और दोनों ही डिफरेंशिएबल हैं, तो यू और वी देखने में थोड़ी परेशानी हो रही है. तो उसी के लिए तो आइलेट है, ताकि वो परेशानी खत्म हो जाए. टी स्क्वायर क्या है, अलजेब्राइक है. कॉस टी क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक है. अलजेब्रा की जो प्रायोरिटी है वो क्या है, ऊपर है, और ये वी है. तो यहाँ से तुम्हारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है कि तुम्हें किसे यू लेना है और किसे वी लेना है. किसको यू लेने जा रहे हो, फर्स्ट फंक्शन तुम्हारा टी स्क्वायर होगा और cos t तुम्हारा सेकंड फंक्शन होगा, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ शुड यू थिंक एंड हाउ शुड यू अप्रोच. ओके, आइए इसको आगे बढ़ते हैं, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखते हैं कहां पहुंच पा रहे हैं. लेट्स सी, ये एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है, सो दैट हम इतने बचे हुए स्पेस में आसानी से कर सकें. चलो देखो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यू वी डी एक्स, ठीक है, डायरेक्टली कर रहा हूँ. तो यू मैंने लिख दिया टी स्क्वायर, और वी डी एक्स कॉस टी का कितना हो जाता है, कॉस टी का साइन टी हो जाता है ना, कॉस टी का साइन टी हो गया, ठीक है, माइनस. अब इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, तो ये मेरे पास टू टी आ गया, तो ये मैंने टू टी ऐसे लिख दिया, ठीक है बच्चों. और कॉस टी को मैंने जब इंटीग्रेट किया, तो ये कितना आ गया, साइन टी आ गया. अगर किसी भी स्टेप में कोई परेशानी आ रही तो बता देना, मैं वो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, और डायरेक्टली बस वो इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, उसी फॉर्मूले को यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है. आप में से शायद कुछ लोगों को परेशानी आ रही होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज कुछ लोग हैं जो जब नया टॉपिक में बोलता हूँ तभी वो क्लास में आते हैं, राइट. यार ऐसा नहीं है यार, एवरी डे आई मेक श्योर दैट यू लर्न समथिंग, दोज हु आर रेगुलर दे नो इट, ठीक है. सो मेक श्योर दैट यू आर रेगुलर, दैट इज व्हाट आई हैव इम्प्लीमेंटेड. ओके, यहाँ पे आपने यू की जगह पे टी स्क्वायर लिया था, टी स्क्वायर आ गया. वी डी एक्स कितना हो गया, कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन टी होता है. और फिर यहाँ पे डी यू बाई डी टी किया, तो कितना आ गया, टी स्क्वायर का कितना हो गया, टू टी हो गया, और यहाँ पे साइन टी डी टी आ गया. अब ये वाला पार्ट क्या बन गया तुम्हारे पास, ये वाला पार्ट, इसको तुम आई वन कह लो, ठीक है, इसको आई वन कह लो. और फिर आई वन को अलग से फिर से तुम यहाँ पे क्या करोगे, बाई पार्ट्स लगा लोगे, और तब ये सॉल्व होगा. तो ऐसा होता है कई बार कुछ अच्छे क्वेश्चंस में आपको बाई पार्ट्स दो बार लगाना पड़ता है. आप आई वन क्या ले रहे हैं, ध्यान से लिख लीजिए, आपने आई वन लिया है टी इंटू साइन टी. क्या इसमें यू और वी डिसाइड करने में परेशानी आएगी, बिल्कुल नहीं, वैसे कर लेंगे बेटा. टी को मैं क्या लूंगा, टी को मैं यू लूंगा और साइन टी को वी लूंगा, ठीक है. तो आइए फटाफट से करते हैं, u into integration of sin t which is minus cos t, ठीक है ना बच्चों, minus sin के साथ dt by t, ये चीज तो गई ना, जब तुमने t को differentiate किया with respect to t, that is gone and we are free from both the variables. Now we just have one variable which is easy to deal with. Sin t की integration कितनी आ गई, minus cos t, तो minus minus के कितना आ गया बेटा, 1 into plus cos t with respect to dt. Now this is okay, this is absolutely fine, this is minus t cos of t. और अब cos t को जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये चीज कितनी आती है बेटा, sin of t.
प्लस सी हमेशा लगाना है। फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, आइए यहाँ लिख देते हैं, फॉर्मूले को यहाँ से हटाते हैं और फाइनल आंसर लिखते हैं। हेंस आई इज इक्वल टू, राइट, इस तरीके से लिखने की हैबिट डेवलप करना, राइट। आर डी शर्मा बुक जब आप देखते हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस हैं, कैसे वो जब सॉल्व एग्जांपल में कौन कौन से स्टेप्स यूज़ करता है, कि मैं बताता भी रहता हूँ लेकिन फिर भी तुम वहाँ से भी देखा करो कैसे कैसे क्या लिख रहा है, लिखने का तरीका वहाँ से देखा करो। तो ये तुम्हारे पास आई कितना हो गया बेटा, दैट इज कमिंग आउट टू बी टी स्क्वायर साइन टी माइनस टू और इन टू आई वन, आई वन की वैल्यू ये पूरी चीज़ है। अगर मैं यहीं पर इसको माइनस टू को मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस माइनस ये तो प्लस दिख रहा है, ये हो गया आपके पास टू टी कॉस ऑफ टी और ये कितना आ गया बच्चों माइनस साइन ऑफ टी प्लस सी, दैट इज ऑल। अगेन इफ इट इज अंडरस्टूड जब जस्ट टाइप ओके और टाइप रिपीट, डू इट फास्ट। समझ में आ गया ओके लिखो, नहीं समझ में आया रिपीट लिखो। ओके आई विल रिपीट इट, आओ एक बार रिपीट कर लेते हैं, राइट। टिल देन ये मैंने यहाँ पे लिख लिया था बिकॉज मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, राइट। ये मैंने लिख लिया था इसलिए क्यों, सो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन बन कितना रहा है, ये आपके पास माइनस लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस वन आ गया। एंड दिस इफ यू लुक एट इट, दिस इज अ वेरी वेरी नोन फॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस, दिस इज वॉट एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, ये तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म है। और अगर तुम्हें ध्यान में है कि जब कभी भी मेरे पास डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ये वही छह फॉर्म्स है जो मैंने तुम्हें बार बार बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन बाई ट्वाइस ऑफ ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, दैट इज ऑल, राइट, दैट इज ऑल। तो इसका फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, आइए यहाँ पे लिख देता हूँ, आई होप आपने ये लिख लिया है, तो चलो हट फ्रेंड थोड़ा ऊपर से कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ वाइट में मैं आंसर लिख देता हूँ, फाइनल आंसर जो होना चाहिए बुक में, आप क्लास के बाद उसको मैच कर सकते हैं, लॉग एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस, अब ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी वन बाई टू ए, ए कितना है बच्चों, ए तुम्हारे पास है हाफ, ठीक है। तो हाफ करोगे तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, रहेगा क्या तुम्हारे पास, सिर्फ लॉग ऑफ एक्स। नाउ x माइनस ए यानी कि x प्लस हाफ माइनस हाफ, क्या बचेगा x बचेगा, नीचे x प्लस ए यानी कि x प्लस हाफ प्लस हाफ, कितना आएगा बेटा x प्लस वन आएगा। सो दैट शुड बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आई होप दीज एग्जाम्पल्स वुड सर्टेनली हेल्प यू व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट एट योर ओन, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस इंक्रीजेज अ लॉट एज सून एज यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग द क्लास। अच्छा चलो अभी तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, फर्स्ट सेशन है तो ठीक है, उसके बाद फिर मैं रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, विल सी, राइट, आई एम ट्राइंग बट कुछ खास सॉल्यूशन अभी मिल नहीं रहा है। चलो देखो एक चीज़ और मैं आज कराना चाहूँगा, बिकॉज हमें सिलेबस को फेस करना, ये आपको भूलना नहीं है, राइट। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करना है, इसको हम यहाँ पे करना चाहेंगे, राइट। कभी भी अगर तुम्हारे पास कुछ इस फॉर्म का आता है ई रेज पार एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, देन दिस इज ऑलवेज ई रेज पार एफ एक्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट। सर्टेनली हम इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसका प्रूफ एज यूजुअल ज़रूर करेंगे, आइए कर लेते हैं, राइट। कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं कोई भी चीज़, बस सिर्फ ध्यान से करना होता है, तो आइए करते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर मैं इसके LHS से शुरू करना करूँ, LHS, तो LHS कितना हो जाता है, LHS को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई रेज टू द पावर एक्स एफ एक्स, ठीक है, और into dx plus e raised to the power x and integration है, right, plus sign के साथ है, और ये है आपके पास f dash x dx, ठीक है बच्चों, that is how we can write। अब in order to prove this, क्योंकि proof देख के समझ में आता है कि e raised to power x into fx की वाली चीज़ हमारे पास बचनी चाहिए, तो मैं इसको तो अभी बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा बाई पार्ट्स अप्लाई करूँगा, यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूँगा बाई पार्ट्स अप्लाई करूँगा। एज यूजुअल यू और वी डिसाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट उसमें भी इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक्सपोनेंशियल आई लेट जो तुमने अभी पढ़ा है उसमें एक्सपोनेंशियल सबसे नीचे आता है, यानी इसको तुम क्या लोगे इसको वी लोगे, राइट। बेहतर मैं ये कहूँगा इसको वी ना लेके
बिकॉज देखो तुम्हें ये चीज़ कैंसिल करनी है, तो तुम अगर इसको इंटीग्रेट करो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो आईलेट की जगह अगर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था किस क्या एक्सप्रेशन तुम्हें लेना है आईलेट की, आईलेट तब लगाना है जब हम सोच नहीं पा रहे हैं क्या इंटीग्रेबल है क्या डिफरेंशिएबल है, है ना, क्योंकि दोनों ही हैं। तो फिर हम यहाँ पे देखें बिकॉज एफ डैश एक्स है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है मैं डिफरेंशिएट तो नहीं करने जा रहा, मुझे एफ एक्स चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको क्या ले रहा हूँ, मैं वी ले रहा हूँ, बिकॉज वी को अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। और इसको यू ले रहा हूँ, तो ध्यान से देखो ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है, फर्स्ट थिंग विल रिमेन एज इट इज, सेकंड एक्सप्रेशन पे वर्क करते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट विल बी यू इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ द सेम थिंग। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स मेरे पास हो जाएगा एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस साइन के साथ मेरे पास आया डी यू बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी ई रेज पावर एक्स, बिकॉज ई की पावर एक्स की डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सब बराबर ही होती है। और फिर इसको तुमने इंटीग्रेट किया, ये कितना आ गया बेटा एफ एक्स। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया, बिकॉज ये जो चीज़ तुम्हारे पास अभी माइनस में तुमने रिसीव की है दैट इज ऑलरेडी देयर इन द एक्सप्रेशन, एंड दैट इज विद प्लस एंड दैट इज विद माइनस। सो अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद जस्ट दिस थिंग विच इज ई रेज टू द पावर एक्स इनटू एफ एक्स, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन एक मार्क्स या दो मार्क्स में आते हैं, आप सीधा सीधा अगर ज़्यादा मार्क्स में आते हैं तो लिख देना यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, दैट इज हाउ विल गेट इट। क्विकली विल डू सम क्वेश्चंस ऑन दैट सो दैट यू कैन ट्राई एंड प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्टली देखूंगा एफ एक्स और एफ डैश एक्स क्या है, तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे कॉस एक्स मिलेगा, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करने पर मुझे माइनस साइन एक्स मिलेगा। तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे एफ एक्स कितना है, साइन एक्स है, तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा, ई रेज टू द पावर साइन एक्स प्लस, ठीक है। सो दैट्स वेरी इजी एंड दैट्स वेरी इफेक्टिव। आइए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी कम हो, बहुत इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी कहीं पे भी, ठीक है, कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे देखो ये सेवन्थ क्वेश्चन है या फिर थर्ड क्वेश्चन है या फिर इलेवेंथ क्वेश्चन है, फटाफट से देखो। सेवन्थ क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि टैन एक्स का जो इंटीग्रेशन अगर तुम्हें ध्यान में, टैन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है अगर तुम्हें ध्यान में है, तो टैन एक्स को डिफरेंशिएट करने पे मेरे पास कितना आता है, टैन एक्स को डिफरेंशिएट करने पे मेरे पास आ जाता है सेक्स स्क्वायर एक्स। तो ये सेक्स स्क्वायर एक्स को दिखूंगा, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि भाई अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो क्या टैन एक्स मिलेगा, तो हाँ मिल रहा है, राइट। अगर तो फिर ये चीज़ पता लग गई ना क्या, कि ये तुम्हारे पास एफ एक्स है और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास एफ डैश एक्स है। अगर तुम लॉग ऑफ कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या तुम्हें टैन एक्स मिल रहा है, राइट। आओ देख लो, अगर थोड़ी भी परेशानी आ रही है तो देख लो, कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। इट विल हार्डली टेक 15 टू 30 सेकेंड्स टू वेरीफाई ऑल दीज थिंग्स। क्या डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स, क्या ये वाली चीज़ मेरे पास टैन एक्स है, माइनस साइन भी है, ध्यान रखना, या माइनस साइन भी है, ठीक है, बिकॉज हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको नहीं भूलना, जो हमने अभी डिराइव भी किया, क्या ई रेज टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, माइनस नहीं है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। तो इसलिए माइनस साइन को आप कंसिडरेशन में रखेंगे, तो इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन तो एज इट इज़ रह जाएगा बाहर जो है, और लॉग एक्स का वन बाई कॉस एक्स हो गया, और कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। तो क्या ये टैन एक्स नहीं है, बिल्कुल है। तो तुम्हें पता लग गया ना आंसर क्या होने वाला है, व्हाट इज़ द आंसर, ई एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है। तो आंसर क्या दोगे, माइनस साइन के साथ log of cos x plus c, ठीक है बच्चों। टाइम हो गया है बट फिर भी एक क्वेश्चन और करूंगा मैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से देखो, ओरली बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं करता हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि आपकी किसी दूसरी क्लास में कोई परेशानी हो। देखिए अभी ये कि आपके पास साइन 4x माइनस 4 है और नीचे यहाँ पे 1 माइनस cos 4x है, इस तरह के कंडीशन में कुछ भी ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करनी जिससे कि काम हो जाए। जैसे 1 माइनस cos थीटा तो हमेशा समझ में आता है ना, 1 माइनस cos थीटा जो सबसे आसानी से समझ में आता है वो तो 1 माइनस cos थीटा समझ में आता है। क्या समझ में आता है, 1 माइनस cos थीटा हमें ये समझ में आता है कि 1 माइनस cos थीटा कैन बी रिटन एज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड इट इज़ 4x, तो थीटा बाई 2 कितना हो गया 2x। और ये जो sin 4x है ये कैसे समझ में आता है, sin 4x, sin थीटा इज व्हाट, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 sin 2x into cos 2x। Trigonometry is very important. I have been telling you time and again, and I'm giving you an opportunity to cover it from coming Sunday's class. 6 days ka workshop rakh raha hu trigonometry ka. Make sure that you are a part of it. Agar tum trigonometry mein comfortable nahi ho, theek hai? Please make sure you don't miss that. To ab dekho, isko tum kya likhoge?
e raise power x as it is रह जाएगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा बेटा, दैट विल बी साइन साइन कैंसिल हो गया, cos by sin कितना होता है, दैट इज cot 2x, ठीक है, यहाँ 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, cosec square हो जाएगा, cosec square, right? cosec square 2x dx. I hope you remember that cot 2x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो माइनस cosec square 2x और 2x की वजह से ये 2 भी आ जाएगा. तो इसका आंसर लिखने में अब तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दैट इट इज e रेज पावर x cot 2x plus 3. ठीक है बच्चों, दैट इज हाउ यू कैन डी